मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो? सिंपल इज दैट। वो जब से आया, रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें यही बता रही है, ठीक है। आपको आपको पसीने आ जाते हैं बिकॉज ही स्क्वीज इट सो हार्ड, इसीलिए इतने शायद बड़े बड़े छक्के भी उसने मारता था। तो हम लोग इंडिया टूर पे थे, आई स्टिल रिमेंबर, आई नो द नेम ऑफ द मिनिस्टर, वन ऑफ द मिनिस्टर, बट आई वॉन्ट टेक द नेम, बट ही केम टू सी अस एंड वेलकम अस, एंड हम लोग सारे बैठे थे, तो वो ही केम, वी ऑल स्टूड अप, जी आए हैं जी वो, एंड ही मेट एवरी वन, आई रिमेंबर, एंड यू नो उनका पूरा डेलीगेशन था पीछे साथ साथ, तो हम सबको हेलो हेलो हेलो। अब ये आगे शायद अफरीदी खड़ा था, जूनियर था, तो थोड़ा एंड पे खड़ा था, तो बिकॉज एवरी वन सॉफ्टली यू नो बींग द एल्डरली मिनिस्टर, सो बड़े आराम आराम से मिला रहे थे, तो अफरीदी कहता देखना भाई, लिटरली उसने उन बुजुर्गों से हाथ मिलाया, बुजुर्गों से हाथ मिलाया जैसे आप मुझसे हाथ मिलाइए, तो उसने हाथ मिलाया, तो आप शायद अफरीदी हैं, तो आपने दबाया ना, तो उसको वकार यूनुस जिस घटना के बारे में बता रहे हैं उससे एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तान के मन में भारत के प्रति जबरदस्त नफरत भरी हुई है और यह नफरत वहां के खिलाड़ियों में भी है। और सोचिए अगर पाकिस्तान का एक इतना बड़ा खिलाड़ी एक शिष्टाचार मुलाकात के दौरान भारत के किसी इतने बड़े नेता से इस तरह पेश आता है तो उसकी मानसिकता क्या होगी। टीम के साथ इंडियन टीम कैसी है, आप लोग के साथ उनकी ट्रीटमेंट और उनका बातचीत वगैरह किस तरह? देखिए जी, एक छुपा नहीं सकता या झूठ बोल नहीं सकता, जितने भी हम कोशिश कर लें, जितना भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन जो हमारा दिल है वो उनका नहीं हो सकता। हम लोग अंदर से जो जिस किस्म के हम लोग हैं पाकिस्तानी, वो नहीं हो सकते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम आपके जैसे बनना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारे धर्म में ये सिखाया जाता है बच्चे, बुजुर्ग, महिला या फिर कोई दूसरे धर्म के लोगों को कैसे रेस्पेक्ट देना है, जो आप में बिल्कुल नहीं है। हालांकि दोस्तों ये टॉपिक पुराना है, लेकिन आज फिर से पाकिस्तान मीडिया में चर्चा हो रहा था। मुझे लगा शायद शाहिद अफरीदी अपने पुराने कुकर्म के लिए माफ़ी मांगेंगे जो 20-25 साल पहले वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ किए थे, लेकिन वो तो हंसकर बता रहे हैं मैं सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ एक नहीं किया था, बल्कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के साथ भी वही चीज़ किया था। आप उनका वीडियो देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शहजादा चार्ल्स था उस वक्त, मेरा ख्याल है वो था, तो वो मिलने आए टीम को, अभी भी है प्रिंस चार्ल्स, अभी प्रिंस चार्ल्स ना, अब किंग हो गया, तो अब वो किंग हो गया चार्ल्स, तो उसने ना शाहिद से, अब शाहिद तगड़ा है, इसके हाथ तगड़े हैं, ये हाथ बहुत जोर से मिलाता है, मतलब हम जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं ना शाहिद से मिलने के लिए पहले अपने आप को तैयार करके आते हैं कि इसने हाथ दबा देना है, कोई चेयरमैन हो कोई वो। अब ये प्रिंस चार्ल्स से ना जो इसने आके हेलो अपना बड़ा जैसे रॉयल की तरह मिल रहा है, अब यूसुफ हाथ ना हाथ करना, उसने ना शाहिद ने पकड़ा इसका, मैं साथ खड़ा था, तो उसने हाथ मिलाया, तो उसने शाहिद ने पूरा जिस तरह ताकत में पठान करते हैं, उसने शाहिद ने ऐसे हाथ मिलाया उसके मुंह से उई लाला, मतलब प्रिंस चार्ल्स का बंदा छोड़ देता है और पूरी टीम उधर वसीम भाई उधर कोने में खड़े हम, याद है मुझे शायद मैंने कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा ये बिल्कुल नहीं ऐसा, इसने बिल्कुल, और इसने चार्ल्स ने ना फिर अगले बंदों से हाथ मिलाने के लिए ना उसने तीन उंगली आगे दिया। मैं इंडिया का मिनिस्टर से भी यार मुशीब है जी जी, उसका भी इससे इंडिया का मिनिस्टर था, उसको आ गया, वो नीचे ही आ गया, वो टेबल के ऊपर आ गया। देखिए इससे पता चलता है कि पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान लोगों का माइंडसेट क्या है, चाहे कोई बंदा टॉप पोजीशन पर हो या फिर बॉटम पर हो, उनका हमेशा हिंदू हेट या फिर भारत के लिए हेट या फिर दूसरे धर्मों के लिए हेट वो रहेगा, आप उसका इलाज नहीं कर सकते हो। अब आप सुधीर चौधरी का इस टॉपिक पर एक डिटेल्स एनालिसिस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये इंसिडेंट कब हुआ था, कैसे हुआ था और किसके साथ हुआ था। वकार यूनुस ने इस वीडियो में भारत के नेता का नाम तो नहीं बताया, लेकिन आज हमने उनके बयान के आधार पर काफ़ी रिसर्च किया और इस दौरान ये जानने की कोशिश की कि वो नेता कौन हो सकता है, और जो जानकारियां हमें मिली उससे ऐसा लगता है
कि वकार यूनुस भारत के जिस बहुत बड़े नेता का जिक्र कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो सकते हैं। यानी जो हमने आज रिसर्च किया है उसके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि तब शाहिद अफरीदी ने ये मजाक और ये अपमान भारत के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही किया होगा। पहली बात, उस समय शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की टीम में नए नए आए थे। दूसरी बात, यह घटना उस समय की है जब पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर थी, यानी भारत आई हुई थी। तीसरी बात, भारत के जिस नेता के साथ यह घटना हुई वो एक बुजुर्ग नेता थे। चौथी बात, वो अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पाकिस्तान की टीम से शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए आए थे। और पांचवी बात जो उन्होंने कही वो ये कि यह घटना तब की है जब पाकिस्तान की टीम की तरफ से, यानी पाकिस्तान की टीम में वकार यूनुस, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तीनों एक समय में ही पाकिस्तान की टीम में खेल रहे थे और वो टीम भारत में थी, भारत आई थी, तब उस टीम में वकार यूनुस और वसीम अकरम नहीं खेल रहे थे क्योंकि तब ये दोनों ही खिलाड़ी उस समय इंग्लैंड में थे। इसलिए यह घटना 1997 की नहीं हो सकती। इसलिए अब सारी बात आती है 1999 के पाकिस्तानी दौरे पर। उस समय भारत में जनवरी और फरवरी के महीने में जो टेस्ट सीरीज खेली गई दोनों देशों के बीच, उसमें वकार यूनुस, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तीनों ही पाकिस्तान की टीम में खेल रहे थे। लेकिन मार्च और अप्रैल में जिस टीम ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज खेली उसमें वकार यूनुस नहीं थे। यानी इन 8 वर्षों में सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आई और इस दौरान वकार यूनुस, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तीनों एक साथ पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह बात 1999 की रही होगी। ये बात है वर्ष 1999 की, जब 12 साल के लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान की टीम ने भारत में कोई टेस्ट सीरीज खेली थी और इसका दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हुआ था। उस समय यह मैच 4 फरवरी 1999 को शुरू हुआ था और इस मैच के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद स्टेडियम में कुछ देर के लिए गए थे। और यह बहुत बड़ी बात है जब भारत का प्रधानमंत्री खुद पाकिस्तान की टीम को मिलने के लिए क्रिकेट के मैदान पर जाए। यह उस समय की तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं, बड़ी पुरानी तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि पाकिस्तान के उस समय के कप्तान वसीम अकरम अटल जी को पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मिलवा रहे हैं, उनका परिचय करवा रहे हैं और अटल जी इन तस्वीरों में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ आपको हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। अब अगर वकार यूनुस के बयान के हिसाब से देखें और उसके बयान को यहां मैच करके देखें तो ऐसा लगता है कि उस समय शाहिद अफरीदी ने शायद अटल जी का ही ये अपमान किया होगा। वकार यूनुस कहते हैं कि जिस मंत्री के साथ ये घटना हुई उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी। अब उम्र को भी निकाल के देखिए, अटल जी जब 1999 में पाकिस्तान की टीम से मिल रहे थे तब उनकी उम्र थी 74 वर्ष, 74 इयर्स। दूसरी बात, वकार यूनुस कहते हैं कि वो नेता पाकिस्तान की टीम का स्वागत करने के लिए अपने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आए थे और यह बात भी सच है क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और वो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ वहां पर पहुंचे थे। और शाहिद अफरीदी की उस समय जो उम्र थी वो थी सिर्फ 18 वर्ष। यानी अगर ये बात सही है तो फिर सोचिए 18 वर्ष की उम्र में भारत को लेकर और भारत के प्रधानमंत्री को लेकर शाहिद अफरीदी की क्या मानसिकता रही होगी। अब आप मुझे बताइए, शाहिद अफरीदी ने जो हरकत किया है प्रिंस चार्ल्स के साथ हो या फिर हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हो, इससे क्या फर्क पड़ गया? मुझे पता है ये इसलिए, ये उनका वही माइंडसेट है कि एक मुसलमान 10-10 हिंदुओं के ऊपर भारी है, हिंदू तो गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं इसलिए हम ज़्यादा ताकतवर है। दोस्तों अगर आप देखोगे पाकिस्तान के जो प्रेजेंट टाइम में क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर जो एक्स क्रिकेटर थे ज़्यादातर ऐसे ही है, लेकिन हमारे अगर हमारे साइड से आप देखोगे, हमारे साइड से जो अभी खेल रहे हैं या फिर पीछे खेल रहे थे उनको बहुत ज़्यादा सेकुलरिज्म का कीड़ा करता था। छोड़िए उनका तो कोई इलाज नहीं हो सकता है क्योंकि उनके लिए पैसा बड़ा है, देश धर्म तो उनके लिए कुछ है नहीं। अब आप इस टॉपिक पर बस दोस्तों इतना ही, और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ। आपका जो भी राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।